You're watching First Up 9am Live. Let's take a look at our first story. Operation Sleeper Cell is what India Today is getting you at this moment. These are conversations which you are about to hear, which have been recorded by India's intelligence agencies to ensure that none of the intercepts affected by ongoing intelligence operation. India Today has decided not to reveal the dates and the full telephone numbers of the handlers and their contacts in India. These audio recordings provide deep insights into the level of support that terrorists receive from across the border. Take a look at our special investigation report, Operation Sleeper Cell. This is an India Today exclusive. The first telephone recording you are about to hear is a conversation between Harkatul Jihad-e-Islami chief Jan Mohammed and his contact, a terrorist named Imtiaz, sitting at a place called Darugmal in the Kashmir Valley. The Harkatul Jihad chief uses a MobiLink Pakistani mobile number plus 92300-515-4737. Imtiaz is using a BSNL mobile number plus 91946980805. Listen to Jan Mohammed as he tells Imtiaz to get hold of assault weapons. अच्छा मैंने फोन इसलिए किया जी ये वो कुछ जो आपके जिम्मे काम लगाया था कुछ चीज इधर उधर देखने का कुछ मिला है आपको कुछ चीजें इस तरह की वो कौन सा काम कागज नहीं नहीं मैंने कहा था कि आपको कुछ वो छोटे मोटे चीज मिल जाए ना चीज मिल जाती थी लेकिन जब मैं फिर घर में रहा नहीं मुझे प्रॉब्लम हो गया घर में ये तो फिर मैं काम को निकला था उन लोगों से रहता हुआ था मेरा लेकिन जब यहाँ मुझे आगे कोई हिसाब ही नहीं था तो मैं कैसे उनको जमा ले लेता अच्छा वो हिसाब इंशाल्लाह कर लेंगे ना वो इसलिए मैंने फिर आपको मैंने कहा था तो रात शब्द करेंगे तो फिर करेंगे वो हो जाएगा तो... मैं फिर मुझे घर जाना पड़ेगा तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह आप इस तरह कर लेना कल हड़ताल तो नहीं है वो कुछ बोलते हैं हड़ताल है कुछ बोलते नहीं है वैसे तो नहीं है अगर अगर कल मौका मिले ना तो कल उधर जाके ना वो छोटा नहीं होता छोटा जी एक तो बड़ा जो इस्तेमाल करते हैं ना एक छोटा जो होता है बिल्कुल जी जी छोटा छोटा मुझे समझ आ गया हाँ वो छोटा अगर कहीं से मिल जाए ना मिलेगा वो एक हाँ वो एक ले लेना ना वो एक जगह जरूरत है ना एक एक कम से कम पहले वो हो जाए बाकी कुछ चीज हो तो उसका भी इंशाल्लाह करेंगे सब लगेंगे उसका ना अभी तक किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ जी अ लॉट ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन टेररिस्ट इन इंडिया एंड द हैंडलर्स इन पाकिस्तान हैपेंस इन कोड इन द रिकॉर्डिंग यू जस्ट हर्ड छोटा माल मींस पिस्टल्स while Baramal refers to assault rifles, typically an AK-47. Harkat's Jan Mohammed has asked Imtiaz to go to a pre-decided location and get hold of a pistol which has to be handed over to a contact in the valley the day after. The next conversation that you're about to hear is between a terrorist named Yusuf Baloch, who's the leader of the Al-Badr terror group, and a person named Mir, who's on a mission somewhere in the Kashmir Valley. The Al-Badr leader uses the Pakistani mobile number operated by UPhone plus 92305-877-2197, while Mir uses an ASL Jammu and Kashmir number plus 91729XXX948. Listen carefully as Yusuf talks about sending a person across the line of control. बस मैंने कहा कि आप आपने कोई काम शाम किया होगा इतना अरसा होगा तो फिर आपसे पूछ भी लूँ क्या प्रोग्रेस है इस काम के हवाले से ना मैंने कहा चलो सुकून से काम कर ले मैं तो घर से बाहर हूँ बस वहाँ से आते हुए ही मैं घर से बाहर हूँ वो बहुत मसला कुछ था घर में वो शादी वगैरह का भी तो मैं अच्छा। आपकी तरफ एक आदमी रवाना कर रहा हूँ क्या करूँ या नहीं अच्छा अच्छा बंदा ठीक होना चाहिए अपने ही साइड का अच्छा अच्छा खास अपना ओ ये अपना वो पढ़ा लिखा है या वैसे सादा सा पढ़ा लिखा है बिल्कुल पढ़ा लिखा है अच्छा अच्छा आपका अपना तो नहीं है कोई प्रॉपर अपना है वो जैसा मैंने कहा था मैंने
ये समझो लड़का, ये समझो अपना अपना बच्चा है, बिल्कुल। अच्छा सही सही, चलो इस तरह है ना जी, वो कुछ हैं कागज वागज वो एक जगह से उठा लेना ना, वो आपको फिर जरूरत पड़ेंगे ना। हाँ वो चाचू नाम का वो आप निकाल कर रखना ना, वो नहीं दूसरा, वो भी मैं दूंगा, तो एक नंबर ले ले उससे, कुछ वो है ना पोस्ट वोस है उसके पास, वो ले लेना उससे। हैं ठीक है जी, नंबर बता देना जी। In the conversation you just heard, the Indian contact is very concerned about the level of training of the person who's being sent across the border. Intelligence sources tell India Today that the reference to education in the conversation you heard is actually a reference to the level of training the operative has received. Mir wants to ensure that the terrorist who's coming across is well trained. Yusuf assures him that he is one of the best they have. Terrorists in India talk to their handlers not just about movement of personnel across the border and the shipment of weapons and ammunition. The conversation can sometimes be as basic as the handler telling his operative where to get hold of a second SIM card from without giving any proof of identity. Listen to Tanveer ul Islam of the United Jihad Council as he speaks to a terrorist identified as Jameel in Jammu and Kashmir. मुझे आपके अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, दो नंबर सिम वहाँ से आप कुछ खरीदें, दो नंबर मोबाइल आपके पास हो जिस पर मेरा आपके साथ रब्ता रह सके। 10 बजे के साथ फिर आपसे भी बात कर लूंगा ना। ठीक है, 11:30 बजे चलेंगे। कोई इतना मुश्किल नहीं है, किसी में भी वो थोड़ी सी महंगी पड़ेगी जरूर, मगर वो मुश्किल नहीं है, मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, मगर वो सिम थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। जो आम सिम आपको 100-200 रुपए की मिलती है वो आपको 1500 रुपए में मिल जाएगी। ठीक है, समझ आ गई है, मैं अभी आपके रास्ते में रहूंगा इंशाल्लाह। ये एक नंबर है, और देखना ये ख्याल रखना कि अपना कोई पर्सनल ये इस्तेमाल ना करना जहाँ से आपको कोई परेशानी हो। चलो आप इसका करें, मेरे साथ आप रास्ते में रहिएगा, ठीक है ना। मैं आपका वो आप इसका करें, उसके साथ जो ना उसको एक आप मेल एड्रेस बनाकर दें, आपको नया जीमेल का एड्रेस बनाकर दें उस भाई को, तो मैं उससे लेता हूँ, तो हमारा मेल पर रास्ता रहेगा इंशाल्लाह। Don't give away any personal details, open a Gmail account in another name and stay in constant touch using the new SIM. Those are the direct instructions given by the handler to his agent operating in the valley. With Vishwas Kumar, this is the India Today Special Investigation Team. Now in that first part of the investigation you heard terrorists and their handlers in Kashmir in conversation. Those intercepts are now with the intelligence agencies. In the next leg or the next part of the investigation, which we are about to show you on First Up 9 AM Live, we are going to tell you that these are terrorists who are not just in terror hotbeds of Kashmir. The ISI has eyes and ears not just in Kashmir but also virtually in every part of the country. In the next part of Operation Sleeper Cell, you will hear a conversation between a handler who's using a Turaya satellite phone and an agent who is present at a trade fair in New Delhi's famous Pragati Maidan. Yes, you heard that right. One would hardly imagine that as you roam around in Pragati Maidan, there would be Pakistani agents giving a ball-by-ball commentary to their masterminds in Pakistan. Let's listen carefully to part two of Operation Sleeper Cell. It's an India Today exclusive. The capital's famous Pragati Maidan, which literally means grounds of progress. The largest and best known exhibition and convention center in Delhi. From the Auto Expo to the trade fair, this is where the world's biggest brands showcase the latest in their collections. People come here for business and pleasure from across the country. Amidst the 72,000 square meters of exhibition space, there was a stall at a recent trade fair which was being run by an ISI agent. Yes, you heard that right. An ISI agent had set up a stall to keep an eye on what was going on at Delhi's Pragati Maidan. अच्छा प्रगति मैदान में हो, लोगों से मांग करके माल रखा दुकान में। इन दिस कॉन्वर्सेशन
the Pakistani handler is using a Thuraya satellite phone, whose GPS coordinates were traced to a location 1.2 kilometers southeast of Liam in Pakistan-occupied Kashmir. It's 8 p.m. on 23rd September. The handler calls a Delhi Airtel mobile number plus 91 9818 XXX 405. The call is received by Abdullah, who's supposed to be a member of the Lashkar-e-Taiba. मैं बस दूर थोड़ा सा दूर हूँ आपसे, मैं आ जाऊँगा आपसे मिलने लाजमी, मुझे ये बस बताओ माल आ गया क्या? नहीं नहीं आया, नहीं आया यार, कुछ पता नहीं माल इसलिए नहीं आया, आपने वहाँ पर मेरे ख्याल से माल लेट भेजा है, इसलिए आपने को ट्रेड बंद रही ना। आप किस औरत है मिलने के लिए? बस मैं आ जाऊंगा लाजमी आपके पास, माल जब आएगा मैं उसे एक दफा यार देखो, शक्ल को देखा तो ना। क्यों नहीं देखेंगे, शक्ल भी देखेंगे। क्या चल रहा है वहाँ पर? नहीं हम इधर ये प्रगति मैदान में हूँ। अच्छा प्रगति मैदान में हो, लोगों से मांग मांग करके माल रखा दुकान में। अच्छा 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 जी अच्छा अच्छा। तो कोई किसी से कोई बातचीत बनी वहाँ पर? बहुत ज्यादा हो गया ना, लोग इधर ज्यादा आता रहते, ब्रोशर लेते ही चले जाते, सैंपल लेते ही चले जाते बात करके। अच्छा अच्छा, अभी तक अभी तक किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ जी, एग्रीमेंट बाद में करेंगे, देख लेंगे क्या होते है ना। In intelligence parlance, Abdullah is called an OGW or an overground worker. He has a seemingly real public identity, mixes with the local population and pretends to be a businessman. But in reality, he's an ISI agent. Hidden away from his public identity, he leads a double life, constantly reporting back to his handlers in Pakistan. Abdullah is part of ISI's sleeper cell. Sitting at Pragati Maidan, Abdullah is asking about whether his maal has arrived. Intelligence officials decode maal to mean a shipment of weapons and ammunition. The Lashkar operative is upset that the delivery of the maal is running behind schedule. Abdullah has also been tasked by his Pakistani handler to liaise with locals. Terrorists also communicate with each other using the internet. They leave messages in the draft folders of the inbox of mailing websites. Listen to Abu Bakr, who's a commander of the Lashkar-e-Taiba, as he speaks to Qadir, who's using a Vodafone Kashmir mobile number. The handler asks Qadir if he's been reading all the messages that have been left for him on the website. Aur bas theek, shukr Allah ka, alhamdulillah. Aap sunaye koi garam garam aap ye अखबार वगैरह ठीक है कि नहीं पढ़ते हैं? जो आपने उस दिन बताया था, वेब बताई थी साइट, जो आपने उस दिन बताई थी वो तकरीबन मैं रोजाना पढ़ता हूँ। अच्छा, मैंने अच्छा वो बोला था उस टाइम, उस दिन हो सकता है किसी चीज की जरूरत पड़ी तो। नहीं वो उस दिन जो आपने बात की थी वो क्या थी मुझे समझ नहीं आई, मुझे चीज की समझ आ गई है लेकिन वो आगे क्या, किस दिन क्या, किस वजह से वो क्या मामला, वो थोड़ा मतलब वो ऐसे कुछ ये नहीं है असल में, मतलब ये बात हो नहीं सकती, अगर मैं मिलता उससे तो हो जाती, मगर अभी मैं मिल नहीं सकता इंशाल्लाह, मैं देखूंगा आगे मिलने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। The newspaper that the Lashkar commander refers to is actually a website. But since his statement confuses Qadir, Abu Bakr has to explain he's actually referring to a particular website. The Pakistani handlers whose voice you heard are mostly ISI operatives or terrorists who report to members of the S-wing of the ISI. Each of the telephone conversations you heard can be traced back to specific GPS locations inside Pakistan. This technical intelligence or techint helps India nail Pakistan's lie that it doesn't interfere in India's internal affairs. The proof put out by India Today is incontrovertible. Every movement of these sleeper cells is controlled from across the border. With Vishwas Kumar, this is Rahul Kamal reporting for India Today's Special Investigation Team. The center, because Prime Minister Narendra Modi
could reshuffle his cabinet, we are told, if not by the end of this month, but certainly before the budget session. Sources telling India Today that Prime Minister Modi